Sorry? Sorry, I can hear you. इस सीरीज़ को लेके, एक तो ये मेरी पहली, ये मेरा पहला सीज़न है, इवन इफ 24 का सेकेंड सीज़न है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके, बट आई थिंक आई एम द लकी वन. एंड बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है. सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ, मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो, मेरे पति देव कहते हैं कि यू नो तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो, या ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं. बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए, सो इट वॉज अ आइसिंग ऑन द केक. किरदार देखिए, पर्दा तो पर्दा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कैमरा हमारे लिए तो यू नो आप आजकल मोबाइल में भी देख लेते हो और 70 mm पर भी देख लेते हो. सो आई डोंट थिंक वो मीडियम या फिर अरे ये टेलीविज़न का कैमरा है, ये फिल्म का कैमरा है, ऐसा हम आर्टिस्टों के लिए तो नहीं होता है. द ओनली थिंग आई थिंक इज़ जब अनिल कपूर इतने बड़े जो एक मेगा स्टार है और एक इतने बड़े सुपरस्टार है, अगर वो एक सीरियल कर सकते हैं तो मतलब हमारे तो क्या कहने हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती उस बारे में. बट एक किरदार, जैसे आपने पूछा कि एक किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, आई थिंक हर किरदार बहुत ही मुश्किल, और फिर जब आप उसे निभाते हो फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है अरे ये तो बहुत आसान कर लिया मैंने, इसमें कुछ और शायद मैं कर सकती थी, लेकिन वो समय निकलता जाता है आपके हाथ से. आई थिंक फॉर मी अंतरा द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी वल्नरेबल, इज़ वेरी फ्रजाइल, और ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है. पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे कि अनिल सर से लेके द कॉप्स एंड एवरीबडी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर. साक्षी तन्वर जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर निभा रही है, बट अंतरा इज़ अ वेरी फ्रजाइल, कन्फ्यूज एंड अ वेरी वल्नरेबल कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज़ आई फील. Oh, Kapil Sharma. I love that show and I love Kapil Sharma. But I think कहीं ना कहीं मुझे मौका नहीं मिला उस शो पर जाने का. But it's just the start, मुझे ऐसे लगता है 24 season 2 is just the start, and आगे बहुत ऐसे मौके आएंगे कि उनके शो पर जा सकूँ, and that's about it. Oh, sorry. उनको नहीं देखूँ यही पूछ रहे हैं इसलिए. अच्छा कपिल शर्मा के शो का हर किसी बड़ी बड़ी फिल्मों पे, बड़े बड़े सीरियल्स पे, बड़े बड़े स्टार्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है. एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लव दैट शो, मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली बैठ के वो शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं. सो आई एम श्योर कि जैसी हमारी एक फैमिली है, बड़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो ये शो एंजॉय करती है, एंड आई एम श्योर कि हर कोई वहाँ पे सिर्फ यू नो मजाक करने, मजाक बनने जाता है, एंड आई थिंक नथिंग लाइक इट. For the viewers, I just want to say one thing, that this season is going to be much, much more, what do you say, dhamakedar and much more spicier for all you guys. So don't forget to watch 24 season 2. That's about it. Thank you.